दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनुष्का दत्त सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द ऑर्चर्ड में। और आज की खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे आज की बहुत बड़ी खबर से, जो कि है सीधे पंजाब से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने सुबह कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी और उन्हें बताया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कैप्टन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चलाने को लेकर मेरे ऊपर संदेह है। अमरिंदर सिंह ने जब सवाल किया कि अब अगला सीएम कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष जिस पर विश्वास है उसे मुख्यमंत्री बनाए। अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, पिछले कुछ महीने से तीसरी बार ये है कि विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई संदेह है, मैं सरकार चला नहीं सका, जिस तरीके से बात हुई है मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। आगे की योजनाओं को लेकर अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भविष्य की राजनीति हमेशा एक विकल्प होती है। उन्होंने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब कप्तानी कौन करेगा। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में नवजोत सिंह, सुनील खाखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी या फिर राज्य के मुख्य विजय इंदर सिंगला सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि फाइनल फैसला सोनिया गांधी को ही करना है, क्योंकि विधायक दल के नेता चुनने के लिए सोनिया गांधी को ही अधिकृत किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद राज्य का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर पार्टी अलाकमन के बीच मंथन जारी है। माना जा रहा है कि कुर्सी के अगले दावेदार के नाम पर आज यानी रविवार की सुबह तक मुहर लग जाएगी। नाम तय होने तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इससे पहले पार्टी के उच्च पदाधिकारियों ने बताया कि 50 से अधिक विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री से हटाया जाए। सूत्रों को यह भी कहना था कि यह संकट गंभीर था, क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की थी। विधायकों ने अपने पत्र में सोनिया गांधी के विधायक दल की बैठक बुलवाने की मांग की। साथ ही पार्टी अलाकमान ने शनिवार शाम को ही बैठक बुलाने का निर्देश दे दिया था और वरिष्ठ नेताओं अजय मानक और हरीश चौधरी को केंद्र परिषद नियुक्त किया। सीएम के रेस में ये नाम सबसे आगे है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए सीएम के लिए झारखंड का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों की इस बात की जानकारी दी, झारखंड पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 से 2017 तक पंजाब विधानसभा से नेता विपक्ष रहे। लोकसभा उपचुनाव 2017 में गुरदासपुर के सांसद बने और बोरा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए। वे पूर्व लोकसभा स्पीकर बलराम झाकड़ के बेटे हैं। उनकी गिनती पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। अब आगे की जानकारी इस मामले पे होगी कि आखिर दावेदारी कौन संभालेगा, आखिर कप्तानी किसे दी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल द ऑर्चर्ड के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।